अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से हांडी कबाब की रेसिपी। और बहुत इजी रेसिपी है, जब कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च है, 1/2 टीस्पून क्रशेड जीरा है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून जो है कुटी मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया का मैंने ले लिया है। और मसालों की क्वांटिटी यही रखनी है आपने। 500 ग्राम मेरे पास जो है मटन का कीमा है, और इसको मैंने फाइन सा पीस लिया है। 1 मीडियम साइज़ प्याज है जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, और इसका सारा पानी मैंने रिमूव कर लिया है। और ये मैं ऐड कर लूँगी कीमे में, और फिर हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कीमे में ऐड करूँगी। और ये ऐड करने के बाद 1.5 टीस्पून मेरे पास लेमन का जूस है, 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 1/2 गड्डी मेरे पास धनिया का है जो मैंने बारीक चॉप कर ली है। अब हम कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, मसाले की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएँ। अब हम कबाब बना लेते हैं। थोड़ा सा कीमा मैं उठाऊंगी, पहले मैं कोफ्ते की तरह उसे गोल कर लूँगी, और फिर हाथ की मदद से उसे लंबाई में शेप दे लूँगी। और इसी तरह मैंने सारे जो हैं कबाब बना लिए हैं। हम कर लेते हैं इसको फ्राई पैन में। मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था, आँच मेरी मीडियम है। और सारे जो है कबाब इसमें मैं डाल लूँगी, और पहले थोड़ी देर एक साइड से पकने दूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट्स, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इसको हमने 5 से 8 मिनट जो है वो फ्राई करना है। और फ्राई हो गए हैं, और आस्ता आस्ता करके मैं ये सारे कबाब जो है निकाल लूँगी। अब हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं जिसका वज़न 250 ग्राम है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। जो टमाटर हमने लिए थे उसका हम फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें पानी ना ऐड करें, और टमाटर को मैं पका लूँगी, और बहुत अच्छा पकाऊँगी कि टमाटर हमारे भुन जाए मसाले में। इस तरह जो है वो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। जब टमाटर भुन गए तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट, और इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून पानी, और मैं जो है मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह भूनूंगी। इस तरह आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तैयार होती है। और हम इसको इतना पका लेंगे कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और ये हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 by 1 सारे कबाब। मैंने बना लिए थे तकरीबन 500 ग्राम कीमे में, मैंने नॉर्मल साइज़ के 23 कबाब बना लिए थे, और अब मैं इसमें आस्ता आस्ता कबाब ऐड कर लूँगी। 5 मिनट हम कबाबों को मसाले के साथ पकाएंगे, और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। ग्रेवी वाले हांडी कबाब के लिए जो है इतना पानी बहुत है, लेकिन आप इसमें अगर थोड़ा सा शोरबा करना चाहते हैं या ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर लें। और मैंने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख दिया है, और माशाल्लाह से ये देखें हमारे ज़बरदस्त से हांडी कबाब की ग्रेवी तैयार है। मैं आपको चमचा हिला के दिखाती हूँ, ये देखें, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त से और परफेक्ट तैयार हुए हैं। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून मैंने मेथी ली है, इसको मैं हाथ की मदद से मसल के वो इस पर ऐड कर दूंगी। सूखी मेथी आपने थोड़ी सी अच्छी कंपनी की लेनी है, इससे जो है इन कबाबों में बहुत अच्छा जायका आता है। और ये हमारे ज़बरदस्त से हांडी कबाब तैयार है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और ये बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। हमने इसमें कोई कच्चा पपीता ऐड नहीं किया, सिर्फ लेमन की वजह से जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।